प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करने से शरीर व मन के दुख कम होते हैं। सनातन धर्म में हर घर में गाय होनी ही चाहिए। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। यह चर्चा कब की है? द्वापर युग पर्यंत, द्वापर युग के अंत की चर्चा है, जो श्रीमद् भागवत जी का लेखन हुआ। यह कब हुआ? द्वापर युग के अंत में, क्योंकि जैसे ही द्वापर का अंत होगा तो कलयुग का आरंभ होगा। द्वापर का समय खत्म हुआ तो कलयुग वैसे ही प्रारंभ हो जाए। नारद जी ने कहा, मैंने कलयुग को देखा, वेद व्यास जी ने भी कहा, मैं भी दर्शन कर रहा हूं पर मुझे अच्छा समय नहीं दिख रहा। संतानें पिता को नहीं मानेंगी, धन के लिए ही लोग अपने भाई को वैर दृष्टि से देखेंगे, सत्कर्म को कम मानेंगे, और यदि थोड़ा सा भी संकीर्तन भगवान का नाम और सेवा कर देंगे तो कलयुग में आनंद ही आनंद, परमानंद ही प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं घूमा हूं, देखा हूं मैं नजदीक से जा जा करके, पर कहीं मुझे सुख शांति आनंद परमानंद बिल्कुल भी नहीं दिखा। वेद व्यास जी भी आज कह रहे हैं, ऐसी मेरे से क्या कमी हो गई जो मैं कलयुग का निदान करने के लिए कोई ऐसा प्रहारक चीज नहीं बनाया, ऐसा यंत्र संयंत्र नहीं बनाया, ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया। इतने में ही नारद जी तेज हो। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी, आप स्वयं ही ऐसा कहो कि कलयुग की मुक्ति और कल्याण के लिए मैं कोई ग्रंथ नहीं बना पाया, अच्छा नहीं? नारद जी ने कहा, बाबा आपने गलती तो कर दी है, ये तो जरूर है, और थोड़ी मोड़े गलती आपने नहीं किया, बहुत कर दिया है। क्योंकि आप जिनके घरों में संतान नहीं होगी उनको ब्राह्मण आदि कहेंगे कि आप हरिवंश पुराण सुन ले, जो संतान देने वाला पुराण है। लक्ष्मी नहीं होगी तो विष्णु और लक्ष्मी का पूजन कर दें, उससे लक्ष्मी आ जाए। पर नारद जी ने कहा, कलौ की रेड़ा भाषी, जो यह कली है इसमें विजय कैसे होगी, ये आप मुझको समझाओ, मुझको बताओ। और नारद जी ने कहा, चिंता की बात नहीं है, आप भगवान का ध्यान करो, जरूर भगवान कुछ ना कुछ आप पर कृपा करेंगे, इस मानव इस संसार जगत पर कृपा जरूर करेंगे, और जरूर कोई ना कोई मार्गदर्शन और आज्ञा देंगे। और ऐसे ही भगवान की कृपा हो रही, ऐसी ही कृपा बरस रही है। और कृपा बरसती क्या है? नारद जी कहते हैं कि अभी तक जो ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र आपने जो रचना किया है वो सब पूरे के पूरे अर्थ धर्म काम और मोक्ष से युक्त है। आप सब परम दयालु
सभी पावनाकारी भूतमा मेरे कर्म दयालु गौतम तुलसी का स्मारक का चाली विश्व की जयंती भगवत आराधना महामहोत्सव मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ हुआ है। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बहुत ही प्रिय श्री चित्रकूट धाम से आए हुए चित्रकूट धाम की अनंत महिमा है। प्रभु श्री रघुनाथ ने अपने 14 वर्षों का जो वनवास काल था 12 वर्ष हमारे प्रभु ने वही आए हैं, ऋषि मुनियों के साथ सत्संग किया है और उसी पावन घर से जहाँ महापुरुष ने कहा है चित्रकूट में बस रहे रही मन अवत न रहे, जहाँ पर विपता पड़त है वो आवत नहीं दे। चित्रकूट की महिमा में कहा है जब पांडवों के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, वनवास काल में पांडव भटकते हुए तरह तरह के संकट कष्टे थे, तो श्री चित्रकूट धाम में आकर के ही उनके कष्टों का संकटों का निवारण हुआ है। वहाँ पर भी माता सती सुइया ने अपने पति वक्ता ध्रुव के बल से परमराते भगवान नारायण भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा को अपनी गोदी में खिलाया। चित्रकूट में आज भी अनेकों ने एक महापुरुष भगवत आराधना कर रहे हैं, महापुरुषों के तप के पर आज हमारा सनातन धर्म संस्कृति जुटा है। उसी चित्रकूट की पावन धरा से जहाँ पर हमारे प्रभु श्री रघुनाथ ने दोनों भुजाएं उठा करके ऋषि मुनियों के सामने संकल्प लिया है कि मैं इस धरा से आश्रम का नाश करूंगा, वही शुभ संकल्प की धरा जहाँ पर हम भी किस समय भगवत के साथ गौ माता की व्यथा को देख करके चारों तरफ गौ माता के ऊपर संकट में हम लोगों ने भी ज़्यादातर गौ माता की उपेक्षा कर दी। कसाई घरों में बिक्र खाने के द्वारा गौ माता का व्रत हो रहा है, एक बार मन में कुछ वर्ष पहले बहुत व्यथा हुई, मन में आया कि कहीं जाके एकांत में गौ माता के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, ऐसा विधान बना माँ की कृपा से और हम चित्रकूट में सेम ही न रहे। गोस्वामी जी को चित्रकूट में ही सिद्धि की